अरे वाह, क्लास तो भल गई है लेकिन अभी तक मम्मा नहीं आई है। अरे हाँ, मम्मा ने कहा था कि जब तुम्हारी इंटरवल हो जाएंगी ना, जब मैं आऊंगी। अरे मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, मुझे बहुत जोर से छींची आई है। अरे अब मैं क्या करूँ, अभी ही क्लास भली है। अरे लेकिन मैं छींची के लिए कहाँ जाऊँ, मैडम ने तो टॉयलेट तोड़ ली है। अरे अब मुझे छींची लोग का लगना होगा। दोस्तों यहाँ पर पिंकी को बहुत जोर से छींची आई है, लेकिन बेचारे पिंकी कर भी क्या सकती है क्योंकि उनकी स्कूल की टॉयलेट तो तोड़ दी गई है। चलो बच्चों सभी अपनी अपनी तख्ती ऊपर निकाल लो, आज हमारा मैथ का प्रेट है। यश मैडम, हम सबने तख्ती ऊपर निकाल ली है। वेरी गुड सुहाना। चलो बच्चों मैं तुम्हें बोर्ड पर प्लस माइनस करना सिखाती हूँ। और यहाँ पर स्वीटी मैडम चौक से बोर्ड पर लिखने लगती है। चलो बच्चों मुझे इसका आंसर कौन बताएगा, 2 + 2 कितना होता है। अरे मुझे ऐसे क्यों लग रहा है जैसे मैंने छींची कल दी है। अरे मेरे चाहिए क्या हो गया है, अगर क्लास के बच्चे को मालूम पड़ा तो सब मेरे बारे में क्या सोचेंगे। है ना दोस्तों, पिंकी ने कैसे पैंट में छींची कर ली है। अरे पिंकी तुम तो हमेशा इतलाती हो और मुझे हमेशा नीचे गिलाने में लगी रहती हो, लेकिन आज तुमने पैंट में छींची कर ली है। अरे दोस्तों ये पिंकी ऐसी ही लड़की है, इसे कितना भी कहो इसे तो छलम नहीं आएंगी, इन्हें आज पैंट में छींची कली है और कल भी कलेंगी। अरे अरे पिंकी तो इतनी बड़ी लड़की हो के पैंट में छींची करती है। अरे बच्चों इसे हमारे स्कूल में लेने का कोई भी हक नहीं है, चलो अब सब इसे पकड़ो और स्कूल से बाहर निकाल दो। अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे मम्मा मम्मा। अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। और सभी बच्चे पिंकी को देखकर हंसने लगते हैं। अरे पिंकी तुम्हें क्या हो गया है, कौन से सोच में डूबी हुई हो। पिंकी अब तुम भी बताओ, 2 + 2 कितना होता है। सॉरी टीचर, इसका आंसर मुझे मालूम नहीं है। अरे टीचर मैं बताऊँ, मैं बताऊँ। अरे टीचर मैं बताऊँ। अरे पिंकी तुम्हें इतना आसान क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, चलो छिंकी तुम ही बता जाओ। अहली मैडम इसका आंसर फोल है। वेरी गुड छिंकी, तुमने बहुत सही आंसर बताया है, चलो मैं बोर्ड पर लिख देती हूँ। अहले अब मैं क्या करूँ, ये तो पूरा साफ साफ दिख रहा है। अहले अब मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, अगर किसी ने देख लिया तो। चलो बच्चों अब इसका आंसर बताओ, 3 + 2 कितना होता है। अहली मैडम प्लीज मैं बताऊँ। हाँ रिंकी चलो इसका आंसर अब तुम दो। अहली मैडम 3 + 2 = 5 होता है। वेरी गुड रिंकी, तुमने बहुत सही आंसर दिया, चलो अब ये भी लिख लेती हूँ। अहले इतनी गंदी बात कहाँ से आ रही है। अहले ये क्या, मुझे तो ऐसा लगता है चुहाना को शक हो गया है। अरे ये तो छींची की बात है, चलो मैं इधर देखती हूँ कहीं बिल्ली ने छींची तो नहीं कर दी है। अहले यहाँ पर कहीं भी छींची नहीं दिख रही है। अहले फिर ये बाज कहाँ से आ रही है। अहले अहले इतनी गंदी बाज कहाँ से आ रही है। अहले मैडम देखिए ना कितनी ज्यादा गंदी बाज आ रही है, और पूरी क्लास में स्मेल आने लग जाती है। अरे ये क्या, कितनी ज्यादा गंदी बाज आ रही है, मैं तो यहाँ पर 2 मिनट भी रुक नहीं सकती हूँ। सभी बच्चों गौर से सुनो, जो भी मैंने बोर्ड पर लिखाया है सब अपनी अपनी तख्ती पर लिख लो, जब तक मैं ऑफिस से आती हूँ। चलो जल्दी जल्दी यहाँ से निकल लेती हूँ। और यह कहकर स्वीटी मैडम क्लास से बाहर चले जाती है। अहले ये क्या, स्वीटी मैडम तो हम सबको बाश में छोड़कर चली गई। अहले कैसे भी कल के हमें बाश में रहना होगा क्योंकि बोर्ड पर लिखा हुआ हमें तख्ती पर लिखना है। अहले हाँ चिंकी सही कहा तुमने, हमें कैसे भी कल के बोर्ड के ऊपर का लिखना होगा, चलो अब जाने दो फटाफट लिख लेते हैं। और सब बच्चे अपना अपना लिखने लग जाते हैं। अरे वाह, ऐसा लगता है सब लिखने में बिजी हो गए हैं। चलो मैं भी लिख लेती हूँ। अरे ये क्या, मेरी कलम तो नीचे गिर गई है, चलो अब जल्दी से उठा लेती हूँ नहीं तो मुझे कोई भी देख लेगा। अरे ये क्या, पिंकी ने तो छींची कर ली है। अरे ये क्या, मुझे तो ऐसा लगता है चुहाना ने मुझे देख लिया। अरे अब मैं क्या करूँ, मैं तो छुपा भी नहीं सकती हूँ, अब चुहाना को सब कुछ मालूम पड़ गया। छी चुहाना, कितनी ज्यादा गंदी बात आ रही है, मुझे तो लिखना भी नहीं आ रहा है। हाँ चिंकी हमें तो लिखना भी नहीं आ रहा है, प्लीज तुम जाकर टीचर को बुलाकर लेके लाओ ना। अहले ठीक है लिंकी, मैं टीचर को बुलाकर लेकर आती हूँ। और चिंकी टीचर को बुलाने के लिए चले जाती है। अहले ये क्या, चिंकी तो टीचर को बुलाने के लिए चली गई है, और अगर टीचर आ गई तो सबको मालूम पड़ जाएगा कि पिंकी ने पैंट में छींची कर दी है, और फिर सबके सामने पिंकी की बेइज्जती हो जाएगी। मुझे कुछ करना होगा, चलो मुझे पिंकी की मदद करनी होगी। अरे ये क्या, चुहाना तो मेरी तरफ ही आ रही है। अरे पिंकी तुम मेरे से डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ। अरे चाहिए मैं चुहाना तुम मेरी मदद करूंगी। हाँ पिंकी थोड़ा स्लो बोलो नहीं तो कोई भी छुन लेगा। अरे पिंकी मेरे साथ क्लास के बाहर चलो। अरे पिंकी चलो जल्दी से नहीं तो क्लास में टीचर आएंगी, तुम मेरे आगे आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलती हूँ। अरे हाँ चुहाना बहुत सही कह रही है, चलो मैं जल्दी से आगे आगे निकलती हूँ। चुहाना तुम कहाँ जा रही हो। अहले लिंकी मिंकी वो जला सी मुझे प्यास लगी थी, इसलिए हम बाहर से पानी पीने जा रहे हैं। लिंकी देखा तुमने, चुहाना और पिंकी कैसे छाछ में गए हैं, वो तो हमेशा लड़ाई करते हैं ना। हाँ चाहिए मैं, ये तो सोचने वाली बात है,
चलो जाने दो, अच्छा हुआ दोनों फ्रेंड्स बन गए। और पिंकी सुहाना क्लास के बाहर आ जाते हैं। अहले पिंकी, तुम्हारा दिलेश तो बहुत ज्यादा खराब हो गया है। अहले अब मैं क्या करूँ, मुझे तो और छिची आई है। अहले पिंकी, तुम एक काम करो, तुम झाड़ियों के पीछे चले जाओ, छिची कर लो, जब तक मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। अहले वाह, आइडिया तो बहुत सही था, चलो मैं झाड़ियों के पीछे चले जाती हूँ। और सुहाना पानी लेकर आ जाती है। अहले ये लो पिंकी, मैंने तुम्हारे लिए पानी ला लिया है। अहले हाँ सुहाना, चली दो मिनट रुको, मैं अभी छींची कर रही हूँ। अहले चलो, जब तक मैं देखती हूँ कोई आ तो नहीं रहा है, चलो जब तक मैं इधर खड़े हो जाती हूँ। अहले ऐसा लगता है पिंकी का बहुत ज्यादा पेट खराब हो गया है। अहले ये क्या ऐसा लग रहा है, स्कूल के गेट में से कोई आ रहा है। अहले पिंकी जल्दी से करो, ऐसा लग रहा है स्कूल के गेट में से कोई आ रहा है। चलो अब जल्दी से यूनिफॉर्म पे लगा हुआ भी साफ कर लेती हूँ। और पिंकी उसका यूनिफॉर्म साफ करने लगती है। अहले देखो चुहाना, मैंने साफ अच्छे से किया है ना। अहले वाह पिंकी, तुमने तो बहुत अच्छे से साफ किया है। और तभी वहाँ पर खूबसूरत से दिखने वाली मैडम आ जाती है। अरे पिंकी बेटा, तुम क्लास छोड़कर बाहर क्या कर रही हो। अहले मम्मा आप। अहले ये क्या इतनी ज्यादा खूबसूरत पिंकी की मम्मा है। अहले मम्मा आप स्कूल में क्यों आई है। अरे पिंकी आप ऐसी किसी बातें कर रहे हैं, आपने तो मुझे स्कूल में सुहाना की शिकायत के लिए बुलाया है कि सुहाना तुम्हें हमेशा परेशान करती रहती है और कल उसी की वजह से तुम्हें टीचर से डांट पड़ी है। अहले पिंकी, तुमने मेरी शिकायत के लिए तुम्हारी मम्मा को बुलाकर लेकर आया है। अहले पिंकी, आज तो मैंने तुम्हारी कितनी ज्यादा मदद की है, तुमने तो पैंट में छिजी कर ली थी लेकिन मैंने पूरी क्लास से छुपा के लगा और तुम्हारी मदद की, और तुम मेरे साथ ऐसा कर रही हो। अच्छा तो तुम सुहाना हो, और तुम ये क्या कह रही हो, पिंकी ने आज पैंट में छिजी कर दी थी और तुमने उसकी इतनी बड़ी हेल्प की है। अहले हाँ आंटी, मैंने पिंकी की इतनी बड़ी मदद की है, क्लास में किसी को भी मालूम नहीं पड़ा, टीचर को भी नहीं। बेटी सुहाना, तुम तो बहुत अच्छी बच्ची हो, तुम कल हमारे घर पर आना और अपने साथ अपनी फैमिली को भी लेकर आना, अपने दोस्तों को लेकर आना, मैं तुम सबकी दावत करूंगी, तुमने मेरी बेटी की हेल्प जो की है। अहले मम्मा आप ही ने दावत दे ली है, इसकी क्या जरूरत थी। अरे पिंकी तुम चुप बैठ जाओ, ये लड़की कितनी अच्छी है जो तुम्हारी इतनी बड़ी हेल्प की है, तो तुम क्या इसके बदले में उसे दावत नहीं दे सकती हो। पिंकी अब तुम इस बारे में कुछ भी नहीं बोलोगी। सुहाना बेटे, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि कल हमारे घर पर तुम तुम्हारी फैमिली को और फ्रेंड्स को सबको लेकर आना, तुमको मेरी तरफ से दावत है, देखना सुहाना बेटे भूलना मत। अहले आंटी, आपने हमें दावत में बुलाया है, हम जरूर आएंगे। अहले मम्मा को दावत देने की क्या जरूरत थी। देखा दोस्तों आपने, कैसा पिंकी की मम्मा ने सुहाना और उसकी फैमिली को दावत दी है। दोस्तों आगे की कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।